कौवा और कवी दाना लेने निकले हुए थे कि उन्हें रात हो जाती है। रात के अंधेरे में कौवा और कवी रास्ता भूल जाते हैं और उड़ते उड़ते गलत दिशा में चले जाते हैं। कालू कालू, मैं तो थक गई हूँ, मुझसे अब और नहीं उड़ा जाता। फिर वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। यह पौधे हमारे जंगल के तो नहीं है, ये हम कहाँ आ गए हैं? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम गलत दिशा में उड़ रहे हैं, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब रात इसी पेड़ पर गुजारते हैं, जब सुबह होगी फिर देखेंगे क्या करना है। कौवा तो पेड़ पर ही बैठा बैठा अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह सो जाता है। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। उठ जाओ, अब क्या बारिश में ही सोते रहोगे? बारिश में भी आज ही आना था, एक तो सारी मुश्किलें एक साथ ही आ जाती हैं। गुड़िया बेटी, खिड़की के पास से उठ जाओ और खिड़की बंद कर दो, बारिश का पानी अंदर आ रहा है। मम्मा, थोड़ी देर बैठ लेने दो। टूनी की बेटी खिड़की के पास बैठी लालटेन पास रखने से अपनी किताब पढ़ रही थी। कालू कालू, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लग गई है और मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मुझसे ऐसी बारिश में रात नहीं कटेगी। अब हमें किसी से आश्रय लेना ही होगा, कोई ना कोई पक्षी तो हमें अपने घर में रख ही लेगा। कौवा और कवि उड़ते हैं। एक घर से उन्हें रोशनी आती हुई दिखाई देती है। दोनों कौवे उस घर की तरफ जाते हैं। कालू कौवा घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मम्मा, मैं देखती हूँ। गुड़िया दरवाजा खोलती है। आप कौन है? बेटी, कोई बड़ा है घर में क्या? पहले बताइए बताइए आप कौन है, नहीं तो मैं दरवाजा बंद करने जा रही हूँ। ना ना बेटी, दरवाजा बंद ना करना, हम बहुत मुश्किल में है। आज की रात आप हमें अपने घर में आश्रय दे दें, तेज बारिश में हम मर जाएंगे। मगर हम तो आपको नहीं जानते, आप अजनबी हैं हमारे लिए। आवाज सुनकर टूनी चिड़िया भी बाहर आ जाती है। आप कहाँ से आए हैं? हम सागर वाले जंगल से आए हैं। सागर वाले जंगल, वहाँ तो मेरी माँ रहती है। आइए आइए, आप अंदर आ जाइए। हम घर से निकले ही थे कि रास्ता भूल गए और यहाँ आ गए। हम सुबह रोशनी होने पर अपने घर चले जाएंगे। वह मीनू मौसी है ना, उसके घर के पास ही मेरी माँ रहती है। अरे, हमारा घर तो पहाड़ों के पास है, जहाँ माही चील रहती है। अच्छी है बेचारी, अब तो वह मांस भी नहीं खाती। मेरी तो पक्की सहेली है माही चील। शाम का डिनर हम दोनों एक साथ ही करते हैं। किसी अजनबी को घर में ना रखो, किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। गुड़िया ऐसी अपनी किताब से सब याद करके सबक ले रही थी। किसी अजनबी को घर में मत रखो। टूनी चिड़िया, तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? मैं तो अपनी किताब पढ़ रही हूँ मम्मा। मेरी बेटी ऐसी ही है, जो किताबों में पढ़ती है उसे ही सच मानती है। इसे पता नहीं, कुछ रिश्ते बनाए जाते हैं एहसास के और प्यार के। यह ले, आप दाना खाइए। कौवा और कवि भूखे थे, वह दाना खाते हैं। टूनी चिड़िया उन्हें यह नरम नरम घोंसले देती है और वो दोनों कौवे सो जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा भी सो जाती है। बादल की गरज चमक से पूरा जंगल हिल जाता है। हाय हाय, मैं तो मर गई, ये क्या हो गया? अरे सो जाओ कौवी बहन, सो जाओ, बादल की गरज थी। ऐसे सुबह हो जाती है, फिर बारिश भी थम चुकी थी। नदी पानी नाले से भर चुके थे। फूल और पेड़ पौधे बारिश से पानी में नहाकर साफ सुथरे हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये टूनी चिड़िया की स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें अपने विचार। धन्यवाद। कौवा और कवि ने भी नाश्ता कर लिया था। अब हम जाते हैं। अभी थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ा और आराम कर लें। अच्छा अच्छा, रुक जाते हैं, मैं तो पहले ही थकी हुई हूँ। कालू जी, चिड़िया का दिल मत तोड़ो, हम शाम को चले जाएंगे।
इधर गुड़िया बेटी कहती है कौवा और कौवे से, अच्छा ठीक है ठीक है, जब शाम आ जाएगी, शाम के बाद रात आ जाएगी और रात में अंधेरा हो जाएगा, आप फिर से रास्ता भूल जाएंगे। मम्मा आप इन्हें क्यों रोक रहे हो? मैंने तो बेटी ऐसे ही बात की थी। इधर कौवा और कौवी तो पक्के हो जाते हैं और फिर सो जाते हैं, टूनी चिड़िया तो अपना दाना लेने जाती है। गुड़िया बेटी चलो हम दाना ले आए, ये कौवे तो सो रहे हैं, इन्हें भी दोपहर का दाना देना होगा। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद घोरी कौवे उठ जाती है। कालू कालू उठो, देखो चिड़िया घर में नहीं है, चलो चलो थोड़ा जंगल घूम कर आते हैं। कौवा और कौवी जंगल घूमने चले जाते हैं। अमरूद के पेड़ की ठंडी छांव में पत्तों के नीचे तोते का घोंसला था। तोते के घोंसले में दो लाल रंग रंग के छोटे छोटे अंडे थे, जिन्हें देखकर कौवा और कौवी तो वहाँ बैठ जाते हैं। कालू ये जंगल ना हमारा है और ना ये अंडे, आज तो मेरा अंडे पीने का बहुत दिल कर रहा है, यहाँ कौन सा हम पकड़े जाएंगे, जल्दी जल्दी से एक अंडा पीते हैं, टूनी के घर जाकर फिर से सो जाते हैं। कौवा और कौवी तोते के दोनों अंडे तोड़कर पी लेते हैं और वापस टूनी के घर जाके सो जाते हैं। दोपहर के बाद टूनी घर पे वापस आती है। आप यह दाना खाइए और फिर से अपना सफर शुरू करें, अगर अंधेरा हो गया तो आप फिर से मुश्किल में पड़ जाएंगे। टूनी बहन मैंने सोचा है कि हम आज की रात भी यहीं रुक जाते हैं, मेरे पंख में बड़ा दर्द हो रहा है, कल तक वह ठीक भी हो जाएगा। इधर गुड़िया घूर घूर के कौवे की तरफ देख रही थी, मगर गोरी कौवी अपना मुँह दूसरी तरफ कर लेती है। आकर आकर खाते हैं, हम पहले नदी से पानी पी आए फिर आकर हम दाना खाएंगे। कौवा और कौवी घर से निकलते हैं। ये कौवे तो यहाँ के नहीं हैं, ये इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हो सकता है मेरे अंडे इन्होंने ही पिए हों। तोता उनका पीछा करने लगता है। कौवे उड़ते उड़ते सीधे बुलबुल के घोंसले में जाते हैं। कालू यह वाला अंडा बहुत छोटा है, यह मैं पी लेती हूँ और तुम कोई दूसरा देखकर पी लेना। गोरी कौवी वो अंडा तोड़ती है और उसे पी लेती है। चोर चोर अंडा चोर अंडा चोर, मैंने पकड़ लिया अंडा चोर। तोता शोर मचाता है, तभी बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। मिट्ठू मिट्ठू जल्दी सबको बुलाओ। हर तरफ शोर मच जाता है और चारों तरफ के पक्षी आने लगते हैं। कालू ये क्या हुआ, हम तो पकड़े गए, अब तो भाग भी नहीं सकते। मम्मा यह शोर कैसा है, कोई चोर चोर बोल रहा है। टूनी चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ शोर की तरफ जाती है। मारो मारो इन्हें मारो। कबूतर तो आते ही कौवे को मारने लगता है। तुम दोनों ऐसे भी कर सकते हो, एहसान फरामोश, कौवे हमारे जंगल में आकर मेरे ही घर में दाना खाकर और हमारे ही अंडे पी रहे हो। मुझे तो यह काली कौवी शक्ल से ही बुरी लगती थी। गुड़िया गुड़िया टूनी मुझे बचा लो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगी। फिर सारे पक्षी मार मार कर कौओं के पंख तोड़कर उन्हें नदी में बहते हुए पानी में फेंक देते हैं। मामा मेरी किताब में सच ही लिखा था कि किसी अजनबी पर विश्वास मत करो। दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। वो एक बहुत मेहनती चिड़िया थी और उसने एक अपना सुंदर सा घर भी बनाया था। वो सारा दिन काम करती और शाम को अपने घर में आके आराम करती और उसे अपने घर में बहुत शांति मिलता। लेकिन एक दिन वो सोने ही वाली होती है कि तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इस समय कौन आ गया, चलो चलकर देखते हैं, कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं है। फिर टूनी चिड़िया दरवाजा खोलकर दरवाजे के बाहर चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया सामने देखती है कि काला कौवा और गोरी कौवी खड़ी है। आप दोनों इस समय सब ठीक तो है ना, कोई चिंता वाली बात तो नहीं? दरअसल बात यह है कि वो हमारा घर टूट गया है, मैं और गोरी तो इसके मायके गए थे,
पर जब मायके से आके देखा तो हमारा घर टूटा हुआ था। अभी तो रात हो रही है, हम अपना घर अभी तो नहीं बना सकते हैं। सुबह होते ही हम अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। टूनी प्लीज, आज रात हमें यहीं रहने दो, हम सुबह होते ही कल अपने घर चले जाएंगे। अच्छा ये बात है, तो आ जाओ, लेकिन सुबह होते ही अपने घर का काम शुरू कर लेना। हाँ हाँ टूनी, तुम चिंता मत करो, हम सुबह होते ही अपना घर का काम शुरू कर देंगे। तुम एक काम करो, हमें बहुत भूख लगी है तो कुछ खाने को ही दे दो प्लीज। टूनी चिड़िया उन्हें खाने को भोजन दे देती है और फिर सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले सुबह टूनी चिड़िया जल्दी उठ जाती है, लेकिन अभी तक कालू कौवा और गोरी कौवी सोए ही रहते हैं। कालू कौवा, गोरी कौवी, अब सुबह हो गई है, आप दोनों उठिए और अपना घर का काम शुरू कीजिए। टूनी चिड़िया, मैं बस उठने ही वाला था, वो कल मैं दूसरे जंगल से सफर करके आया था इसलिए मैं थका हुआ था। तुम जाओ, मैं गोरी कौवी को उठा के जाता हूँ और मैं अपनी घोंसला बनाने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। और फिर टूनी चिड़िया चली जाती है और फिर कालू कौवा फिर से सो जाता है। और फिर ऐसे ही सोते सोते दोपहर हो जाती है और कालू कौवा की आँख खुलती है और फिर काला कौवा गोरी कौवी को उठाता है। गोरी गोरी, उठो गोरी, देखो कितनी दोपहर हो गई है, चलो और अपने घोंसले का काम बनाने का शुरू करते हैं। आलो जी, आज तो सोने में मजा ही आ गया, कितना नरम घोंसला बनाया है टूनी चिड़िया ने। ऐसा घोंसला बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है जो तुम कभी भी नहीं कर सकती। कालू, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। अब क्या सोच रही हो, कहीं तुम इस घर पर कब्जा तो नहीं करना चाहती हो? कालू, तुम मेरे मन की बात कैसे जान गए? मैं तो तुम्हारी हर एक रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे मेरा भी यही कहना है जो तुम्हारा ख्याल है। तो हमें क्या जरूरत है बाहर जाने की, चलो दरवाजा बंद कर दो, दाना तो पड़ा ही हुआ है चिड़िया का, चलो हम सो लेते हैं और जब चिड़िया आएगी तो हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे। और फिर दोनों सो जाते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है और टूनी चिड़िया भी दाना खोज कर आ जाती है। और जब टूनी चिड़िया आती है तब दरवाजा अंदर से लॉक था। टूनी चिड़िया जोर से दरवाजा पीटती है, वो दोनों दरवाजा का आवाज सुनकर भी खोलते नहीं है। तुम रुको, मैं अभी इस टूनी को भगाती हूँ। क्यों रे चिड़िया, क्यों दरवाजा खटखटा रही हो, दरवाजा तोड़ दोगी क्या? टूनी चिड़िया गौरी की बात सुनकर हैरान रह जाती है। गौरी, तुम दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, और तुम अभी तक गई नहीं? क्यों, हम क्यों जाएं अपना घर छोड़कर? गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरा घर है, तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लूंगी। जिसे भी इकट्ठा करना है कर लो, यह हमारा घर है। गौरी प्लीज, इतना जुर्म ना करो मेरे साथ, और बाहर तो ठंड भी बहुत ज्यादा है, तुम मुझे अंदर आने दो। लेकिन गौरी चिड़िया टूनी चिड़िया की एक भी नहीं सुनती, टूनी चिड़िया तो बस दरवाजा देखती रह जाती है। टूनी चिड़िया बेबस होकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उसी पेड़ के नीचे दो तरबूज के बेल लगे रहते हैं। तभी एक तरबूज बोलता है, चिड़िया तुम उदास क्यों बैठी हो, कोई बात है क्या? गोरी कौवी ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है, अब आप ही बताओ मैं इतनी सर्दी में कहाँ जाऊँ, मैं रात कैसे गुजारूंगी? चिड़िया, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं, आप तो एक तरबूज हैं। टूनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, यह जो मेरे साथ तरबूज है, तुम चाहो तो इसमें अपना घर बना सकती हो। तरबूज को मैं कैसे अपना घर बना सकती हूँ? तुम इसमें बस सुराख कर लो और यह अंदर से खोखला है, तुम्हारा घर बन जाएगा। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो मैं इस ठंड में मर जाऊंगी। और फिर टूनी चिड़िया उसमें सुराख कर लेती है और वह तरबूज तो अंदर से सच में खोखला था और उसमें एक नरम नरम घोंसला भी था। और टूनी चिड़िया को उस तरबूज के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है। अब टूनी तरबूज के अंदर जाकर काफी खुश हो जाती है और वह आराम से सो जाती है। इधर मिट्टू तोता और तोती आपस में बात कर रहे थे कि बस मेरे सर से बेटी का बोझ उतर जाए और फिर मुझे कोई चिंता नहीं, हमारी कमाई कम ही सही पर एक बेटी का बोझ तो है ही हमारे सर पर, उसे भी जल्दी ही उतारना है तो फिर कोई चिंता नहीं रहेगी। इधर कालू कौवा मिट्टू जी से कहता है कि मिट्टू जी, मैं दिन रात काम करता हूँ और सोचता हूँ कि किसी तरह से जग्गू को विदेश पढ़ने के लिए भेज दूँ। अरे कालू जी, इतनी भी जल्दी क्या है,
अरे भाई, मेरे सर पर तो बेटी का बोझ है। मैं पहले इसकी शादी कर लूँ, उसके बाद जो मर्जी आए वही कर लें। पहले हम अपने सर का बोझ हल्का कर लेंगे। इधर रानो चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा बोझ बोझ बोझ, ये बोझ क्या है? सब लोग आपस में कह रहे हैं बोझ हल्का कर ले बोझ। मम्मा, ये सब बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि बेटी, जंगल में ये सभी पक्षी अभी तक समझ ही नहीं पाए कि बेटी और बेटा एक समान होते हैं। अगर बेटी को भी बेटे के मुकाबले अच्छी शिक्षा और परवरिश दी जाए तो वह भी एक परिवार का बोझ उठा सकती है, जैसी मेरी मम्मा। हाँ बिटिया, अपनी बेटी को मैं इस काबिल बनाऊंगी कि वह अपना बोझ खुद उठा सके। इस तरह जंगल में अगली सुबह हो जाती है। गौरी कौवी की बेटी मुन्नी कौवी भागे भागे चिड़िया के पास आती है। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा तो अभी से ही मेरी शादी करना चाहती हैं। यह सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। तुम्हारी शादी? लेकिन मुन्नी, तुम तो बहुत छोटी हो। लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि मेरी शादी का बोझ उतार कर वो जग्गू भाई को एक कामयाब पक्षी बनाएंगे। मुन्नी बिटिया, मैं अभी आपकी मम्मा से बात करूंगी। अरे आप तो अभी बहुत छोटी हो और इस उम्र में शादी का ख्याल गौरी के मन में आ भी कैसे सकता है। मैं अभी गौरी से बात करूंगी। और फिर चिड़िया गौरी की बेटी मुन्नी को साथ में लेकर गौरी के घर जाती है। अरे गौरी बहन, मैंने सुना है कि आप मुन्नी की शादी कर रही हो। अरे गौरी, मुन्नी अभी बहुत छोटी है और आपको इसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करनी पड़ रही है? अरे अभी बहुत अच्छे कौवे का रिश्ता मिला है, कल क्या मालूम कोई अच्छा कौवा मिले या न मिले। पर गौरी, अभी तुम इतनी कम उम्र में मुन्नी की शादी कर दोगी तो फिर वह अपने बच्चों को कैसे संभाल पाएगी और कैसे अपने परिवार को संभाल पाएगी? अभी यह बहुत छोटी है, अभी इसे सीखने दो। फिर कौवा कहता है, फिर तो चिड़िया तुम यहाँ से चली जाओ, यह हमारे घर का मसला है। हम तुमसे बेहतर जानते हैं कि हमें हमारी बच्ची के लिए क्या करना है और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर कौवे कहती है, हाँ गौरी, मेरी भी शादी तो कच्ची उम्र में हुई थी, मैं भी तो बहुत छोटी थी। फिर चिड़िया कहती है, इसीलिए तो गौरी तुम्हारे पहले 3 अंडे खराब हो चुके थे, क्योंकि तुम्हें यह जानकारी ही नहीं थी कि अंडों को कैसे रखा जाता है और कैसे उनकी परवरिश की जाती है। बस बस बहुत हो गया चिड़िया, चुप कर जाओ और तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी कौवी भी अपनी बेटी मुन्नी कौवी की शादी करवा देती है। मम्मा, गौरी आंटी ने बहुत जल्दी कर दी मुन्नी की शादी। गुड़िया बेटा, मैं भी उसी के बारे में ही सोच रही हूँ कि वह कैसे अपना घर बार संभाल पाएगी। वैसे गुड़िया बेटा, कल आपको तोता टीचर के पास जाना है और सीखना है कि लकड़ियों का घर कैसे बनता है। मम्मा, वह तो मैं आज ही सीख लिया था। ठीक है, तब कल बुलबुल के पास जाना और उससे भी सीखना कि अपने अंडों की रक्षा कैसे करते हैं। इधर मुन्नी की सास अपने बहू से कहती है, ये तुम्हारा मायका नहीं है बहू, ससुराल है तुम्हारी ससुराल। ससुराल में सुबह जल्दी उठकर हम सभी के लिए भोजन ढूंढ कर लाना तुम्हारा ही काम है। और बेटा, तुमने बहू को यहाँ के सारे कायदे और कानून नियम सिखाए नहीं क्या? हाँ हाँ मम्मा, मैं मुन्नी को सब कुछ बता दिया कि रात को सोते वक्त मेरी माँ की टांगें तुम्हें ही दबानी होगी, और हाँ, मेरी माँ के लिए भोजन भी इसी को ढूंढ कर लाना होगा। बहू, सुन रही हो ना? मैं सुन रही हूँ माँ, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी यह सब करने के लिए। फिर अगली सुबह मुन्नी भोजन की तलाश में निकल जाती है। लेकिन मुन्नी अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वह बच्चों वाली हरकत करती है। कभी वह तितलियों को देखने लगती है और वहीं रुक जाती है, तो कहीं झरने के पास बैठ जाती है। घर को फिर शाम हो जाती है, फिर वह घर को वापस आती है तो पहले ही दिन उसकी सास उससे झगड़ने लगती है। अरे अगर इतनी ही छोटी थी तो फिर क्यों की शादी? हम तुम्हें यहाँ खेलने कूदने के लिए थोड़े लाए हैं। कान खोल कर सुन लो, अपने आप को सुधार लो, नहीं तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैंने क्या किया माँ जी? आप क्यों मुझे बुरा भला कह रही हो? एक तरफ जहाँ मुन्नी अपने घर में सास की डांट फटकार सुन रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी को सब कुछ सिखा पढ़ा रही थी। गुड़िया ने भी घोंसला बनाना सीख लिया था और भोजन ढूंढना भी सीख लिया था और बुलबुल से अंडों की रक्षा करना भी सीख लिया था। अचानक एक दिन मुन्नी के पेट में दर्द होता है, तभी मुन्नी की सास अपने साथ मुन्नी को डॉक्टर बुलबुल के क्लिनिक पर लेकर जाती है।
तभी डॉक्टर बुलबुल मुन्नी का चेकअप करती है और मुन्नी के सास से कहती है, बधाई हो बहन, तुम दादी बनने वाली हो, तुम्हारी बहू जल्दी ही अंडा देने वाली है। यह सुनकर मुन्नी की सास बहुत खुश होती है। लेकिन एक समस्या है, तुम्हारी बहू अभी छोटी है, इसकी उम्र भी बहुत कम है और यह कमजोर भी है, इसलिए तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। अरे डॉक्टर बहन, यह शक्ल से ही ऐसी है, ये घर में हम सभी से बहुत ज्यादा खाती है। सासू माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ना ज्यादा मुँह मत चलाओ और जल्दी चलो, हमारे साथ अपने घर चलते हैं। फिर मुन्नी के साथ साथ उसकी सास अपने घर वापस लौट आती है। इधर दूसरी तरफ गुड़िया भी जवान हो चुकी थी, उसकी मम्मा भी उसके लिए एक अच्छा चिराग ढूंढकर उसकी शादी धूमधाम से कर देती है। गुड़िया बेटा, मुझे विश्वास है कि अब आप अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करके ध्यान से रख सकती हो। हाँ मम्मा, मैं अपनी माँ की हर बात याद रखूंगी। अपनी ससुराल जाकर गुड़िया बहुत खुश थी और उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता था। चिड़िया का पति कहता है, सुनो, कल हम झरने के पास चलेंगे, वहाँ की लहरें देखने में बहुत आनंद आता है और वहाँ से हम थोड़ी लकड़ियाँ भी लाते हैं और उन लकड़ियों से हम अपने घर को थोड़ा सजाएंगे और बड़ा कराएंगे और मजबूत भी बनाएंगे। क्या चिड़िया, आपको लकड़ियों का घर बनाना आता है? हाँ भाई, यह सब मैंने सीखा हुआ है। दूसरी तरफ मुन्नी कौवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। 10 दिन गुजर जाते हैं पर उसकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं होता है। तब उसका पति उसे उसके मायके छोड़ता है। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं भी जब अंडा देने वाली थी तो मेरी भी हालत तुम्हारे ही जैसी थी, और जैसे ही अंडा बाहर निकल आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, तुम बिल्कुल भी ना घबराओ। मगर माँ, मुझे बहुत चक्कर आते हैं और मुझसे बोला भी नहीं जाता। अरे बेटी, मैं तुम्हारे पापा के साथ बुलबुल के घर जाऊंगी और वहाँ से दवा लेकर आऊंगी। धीरे धीरे जंगल में रात भी हो जाती है और रात में मुन्नी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। फिर कौवा और कवि रात को ही अपनी बेटी को बुलबुल के घर पर लेकर जाते हैं। पूरी ये सारी समस्या इसकी छोटी उम्र में शादी करने की है, अब जो होना था सो हो गया। बुलबुल, अब तुम मेरी बेटी को बचा लो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बुलबुल मुन्नी को दवा देती है और इंजेक्शन भी लगाती है पर वह उसे बचा नहीं पाती है और मुन्नी मर जाती है। अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर गौरी कौवी और कौवा फूट फूट कर रोने लगते हैं। और ना ही अंडा बच सका और ना ही अंडे की माँ, सॉरी, ना ही अंडा बचा सकी मैं, ना ही अंडे की माँ को, मैंने बहुत कोशिश की। कौवी रोती हुई, मेरी बेटी, हाँ, मेरी बेटी, ओ मेरी फूल जैसी बच्ची, अभी बहुत छोटी थी जब मैं इसकी शादी कर दी और मैं बहुत बुरा किया, मैं बहुत अभागी हूँ। इस तरह से कौवी रोती रहती है। मैं ही इसकी सारी खुशियों की जिम्मेदार हूँ, बिचारी अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ देखे बिना ही यहाँ से चली गई। और फिर भी दोनों रोते हुए अपने घर को चले जाते हैं। इसी तरह जंगल में अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा तो अभी तक रोए ही जा रहा था। गोरी गोरी, जानती हो, जग्गू तो विदेश पढ़ने के लिए गया है पर मेरी बच्ची, पर मेरी बच्ची वह तो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। अगर मैंने उसे उस दिन चिड़िया की बात मान ली होती तो अभी मेरी मुन्नी मेरे साथ होती। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गुड़िया भी अपने घोंसले में एक सेहतमंद अंडा देती है, जिससे कुछ ही दिनों में एक सेहतमंद बच्चा बाहर निकलता है। गोरी बहन, यह लो मिठाई खाओ, मैं नानी बन गई, मेरी गुड़िया के अंडे से बेटा बाहर निकला है। चिड़िया बहन, अगर मैं भी अपनी बेटी की शादी पूरी उम्र पर की होती तो आज भी मैं यह खुशी देख रही होती। इसीलिए गोरी बहन, मैं सभी से कहती हूँ कि बेटियों को बोझ नहीं समझो, इसलिए उनके फ्यूचर का फैसला हमें बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, मजेदार कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरबन जंगल में दो कौवे रहते थे, एक का नाम कालू कौवा था और दूसरे का नाम भूरा कौवा था। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ अलग घर बनाकर रहता था और भूरा कौवा अपनी माँ के साथ रहता था।
उनकी माँ कई दिनों से बहुत बीमार चल रही थी। कालू कौवे और भूरे कौवे की माँ अपने छोटे बेटे भूरे से कहती है, भूरे बेटे जाओ और अपने बड़े भाई को बुला कर ले आओ, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ जी मैं अभी जाता हूँ। और फिर भूरा कौवा अपने बड़े भाई कालू कौवे को बुलाने चला जाता है। बड़े भाई माँ आपको बुला रही है, माँ को आपसे कुछ बात करनी है। फिर गौरी कौवे कहती है कि हाँ हाँ जरूर, सासू माँ की दवा खत्म हो गई होगी क्योंकि तुमसे तो अपने माँ की दवा लाई नहीं जा सकती, जो तुम अपनी माँ की दवा लाकर उन्हें दे दो। ऐसा नहीं है, मैंने तो माँ को कल ही दवा लाकर दे दी थी और खिला भी दी थी, माँ को कोई और बात करनी होगी तुमसे। गोरी मैं जाकर माँ को देखता हूँ। अच्छा तुम रुको अभी, भूरे देवर जी तुम चलो, मैं अभी कालू को तुम्हारे पीछे पीछे ही भेजती हूँ। फिर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। गौरी अपने कालू कौवे से कहती है, कालू जी मुझे शक है कि तुम्हारी माँ तुम दोनों भाइयों के बीच में आज बंटवारा कर देंगी तुम्हारी जायदाद का, पर एक बात याद रखना हाँ, कि जो वो नदी के पास वाला खेत है वो हमारे ही हिस्से में आना चाहिए, हम ही लेंगे उस खेत को, ठीक है ना? अरे हाँ हाँ ठीक है, अब मुझे जाने भी तो दो माँ के पास। फिर कालू कौवा वहाँ से अपनी माँ के घर पहुँच जाता है। कालू बेटा तुम आ गए, कालू इस समय मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, कालू मैं तुम दोनों भाइयों में तुम्हारी जायदाद बांट देना चाहती हूँ। माँ जी अच्छे से काम में देरी क्यों, जल्दी करें ना, और आप जल्दी से मुझे नदी के पास वाला खेत दे दो, नदी के पास वाला खेत मैं ही लूँगा। नहीं नहीं माँ जी मुझे भी नदी के पास वाला ही खेत चाहिए, क्योंकि आपको याद नहीं है पिताजी ने क्या कहा था कि नदी के पास वाला खेत भूरे को ही देना, इसलिए माँ जी नदी के पास वाला खेत तो मुझे ही चाहिए। बेटा तुम दोनों लोग वह खेत आपस में आधा आधा बांट लो, यह घर भूरे का है कालू, और तुम जिस घर में अभी रह रहे हो वो घर तुम्हारा ही है। ऐसा कहती हुए उनकी माँ मर जाती है। भूरे भाई माँ तो मर गई, चलो हम चलकर अपने खेत में आधे आधे पर निशान लगा लेते हैं। फिर कालू कौवा और भूरा कौवा अपने खेत में जाकर उसे बांटने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। भूरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी तुम जाकर अपने भूरे से पूछो कि वह अपने खेत में क्या लगाने वाला है, वह जो भी लगाएगा हम लोग भी वही फसल उगा लेंगे। भूरी मैं भूरे से पूछा था कल, वह अपने खेत में प्याज की फसल उगाने वाला है। अरे वाह, तो कल फिर हम भी अपने खेत में ही प्याज की ही फसल उगाएंगे। फिर दूसरे दिन गोरी कौवे और कालू कौवा अपने खेत में प्याज की फसल उगाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। फिर इस तरह से कालू कौवा और भूरा कौवा अपने खेत में मेहनत से काम करते रहते हैं। दिन गुजरते गए, फिर कालू और भूरे के प्याज की फसल तैयार हो जाती है। भूरा कौवा अपने फसल से प्याज की एक बोरी निकालकर बाजार में बेचने के लिए ले जाता है। उसके बाद गोरी और कालू भी एक बोरी प्याज लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। प्याज ले लो प्याज, 50 रुपए किलो प्याज ले लो, बड़े बड़े प्याज ले लो, अच्छे अच्छे ताजे ताजे प्याज ले लो, 50 रुपए किलो। इसी तरह से कालू कौवा और भूरी कौवे अपना प्याज का रेट 50 रुपए में आवाज लगाते हैं। और फिर भूरा कौवा भी अपना प्याज बेचने लगता है, प्याज ले लो प्याज, 40 रुपए किलो प्याज ले लो। कालू का छोटा भाई 40 रुपए किलो प्याज दे रहा था, इसीलिए थोड़ी ही देर में भूरे के सारे प्याज बिक जाते हैं और उसे अच्छा मुनाफा होता है। कालू इस भूरे का तो कुछ करना ही होगा, इसके तो प्याज बिक गए और हम सुबह से मक्खियां मार रहे हैं। गोरी मैं सोच रहा था हमने क्या करना है, तुम यह प्याज की बोरी मेरे सर पर रख दो और हम घर चलते हैं। फिर गोरी और कालू कौवा अपने प्याज लेकर घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी क्या सोचा है तुमने? गोरी हम ऐसा करते हैं कि छोटे भाई भूरे के प्याज और अपने खेत के सारे प्याज ही रात में निकाल लेते हैं, और सुबह सुबह होते ही हम लोग बहुत अच्छा सा नाटक करेंगे, जैसे कि प्याज कोई ले गया हो चोरी करके, ऐसा ही सोचा है मैंने। कालू जी हाँ हाँ, जब प्याज महंगे होंगे तब हम दुगनी कीमत में सारा प्याज बेच देंगे और फिर हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। फिर वह पति पत्नी बोरी लेकर खेत में जाते हैं। गोरी तुम भूरे के खेत से प्याज निकालो और मैं अपने खेत से प्याज निकालता हूँ।
जल्दी करना कालू जी, कहीं भूरा हमें देख ना ले। फिर वह दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वह सारे प्याज निकालकर अपने घर ले जाते हैं और फिर एक कमरे में जाकर छुपा कर रख देते हैं। सुबह हो जाती है। अरे मैं तो लूट गया, मैं तो लूट गया, मेरे खेत से किसी ने प्याज निकाल लिए हैं, मेरी मेहनत की फसल कोई चोरी कर ले गया है। शोर सुनकर गौरी और कालू भी वहाँ आ जाते हैं। देवर जी हम भी लूट गए, कोई हमारे खेत से भी प्याज निकाल कर ले गया। बहुत बुरा हुआ, मेरा भी बहुत नुकसान हो गया हमारा, हम दोनों भाइयों को। गोरी जी और कालू जी अच्छे से नाटक करते हैं। कौवे का छोटा भाई फिर से मेहनत करता है और फिर से वह अपने खेत में मटर बो देता है। कुछ ही दिनों में भूरे के खेत से मटर के पौधे उगते हैं। कालू जी एक बार जाकर देखो कि मार्केट में प्याज के दाम क्या चल रहे हैं। अगर अच्छे दाम होंगे तो हम दोनों अपने प्याज बेच देंगे। कालू फिर उसके बाद मार्केट चला जाता है प्याज का रेट पता करने के लिए। वह तोते की दुकान पर जाता है और पूछता है कि तोते भाई प्याज क्या रेट चल रहा है, मैं प्याज लेने आया हूँ और प्याज इस समय किस दाम में चल रहा है बताओ जरा। अरे आजकल प्याज कहीं से भी नहीं मिल रहा है, प्याज तो दुगनी कीमत पर बिक रहा है। हाँ पूरे 100 रुपए किलो में प्याज है। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वह तो सिर्फ प्याज के भाव जानने आया था ना कि खरीदने आया था। और फिर कालू कौवा बाजार से घर जाता। गोरी गोरी मजा आ गया, प्याज का रेट 100 रुपए हो गया है, पूरा दुगना, दुगनी कीमत पर बेचेंगे अब हम प्याज। अरे कालू जी हमें तो लगता है कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हो सकता है कि प्याज सीधा 200 रुपए दुगनी कीमत पर बिक जाए हमारा प्याज, हम लोग क्यों ना थोड़ा इंतजार कर लें। फिर वह दोनों प्याज के रेट बढ़ने का इंतजार करने लगते हैं और फिर वह दोनों सारा दिन सोते रहते हैं, कोई काम धंधा भी नहीं करते। और कालू का भाई भूरा सारे दिन अपने खेतों पर काम करता है। भूरा अपने भाई कालू के पास एक दिन आता है। भाई आपका खेत कब से खाली पड़ा है, आप अपने खेत में कोई काम क्यों नहीं करते, कोई फसल लगा दो जिससे कि कुछ न कुछ तो फसल उगी जाएगी और हम लोगों के बुरे दिन भी खत्म हो जाएंगे। भूरे मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ कि मैंने एक लॉटरी की टिकट खरीद रखी है, जिस दिन मेरी लॉटरी लग गई मुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसी तुम्हारी मर्जी भाई। दूसरे दिन आसमान पर गहरे गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होती है। चिड़िया अपने घर में छुपी बैठी थी, तोता भी अपने घर में तेज बारिश से छुपकर बैठा हुआ था, सारे पक्षी बहुत डरे हुए थे। तभी कौवे का घर इतना मजबूत था नहीं और ऊपर से उसमें कई बोरियां प्याज की अपने घर में जो छुपा के रखी थी, वह तेज हवा के झोंके में आ जाता है और कौवे का घर टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी कौवा और कौवे घर के नीचे दब जाते हैं और हर तरफ प्याज ही प्याज बिखर जाता है। कालू यह क्या हुआ, यह प्याज तो हमें ही ले डूबा। अरे गोरी हमारा लालच ही हमें ले डूबा। बारिश रुक जाती है, फिर सभी पक्षी आकर वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और फिर कौवा और कौवी को घर से बाहर निकालते हैं। इसी इस बात को सुनकर कौवे का छोटा भाई भूरा भी वहाँ आ जाता है और फिर वो देखता है कि चारों तरफ प्याज ही प्याज बिखरा पड़ा है। अरे बड़े भाई ये प्याज कहाँ से आया, आपके घर में तो प्याज चोरी हो चुका था, फिर ये प्याज आपके घर पे कहाँ से आया। फिर सभी पक्षी आपस में ये सब सुनकर हंसने लगते हैं और भूरे से कहते हैं चोर यार कोई और नहीं था, ये तेरा भाई कालू ही तो था। हाँ देवर जी प्लीज हमें माफ कर दो, हमारे लालच की सजा हमें मिल गई है। ऐसे कौवे और कौवी को सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों आप इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।